अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, सभी भाई बहन को आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं जा रही हूँ चावल को फ्राई करने के लिए और आज मैं कुछ नाश्ता नहीं बना रही हूँ। तो दोस्तों, कल रात का थोड़ा सा ज़्यादा चावल बचा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि चावल को ही फ्राई कर दूंगी, फिर सभी लोग हम लोग खा लेंगे। और ऐसी चावल को खाने के लिए नहीं होते हैं और फ्राई कर देने से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, इसीलिए मैं चावल को फ्राई ही कर दे रही हूँ। तो दोस्तों, आज बच्चे लोग का भी स्कूल थोड़ा जल्दी लग रहा है, अगर मैं नाश्ता बनाती तो थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाता, इसीलिए मैं चावल को ही फ्राई कर दी हूँ। तो इसी को उन लोग खा कर स्कूल चले जाएंगे। तो दोस्तों, चावल अच्छे से फ्राई हो गया है, तो चलिए दोस्तों हम लोग भी जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। तो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। दोस्तों, सुबह का नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं जल्दी से नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ। और दोस्तों, आज मैं जल्दी ही नहा ली हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कपड़ा धोने के लिए था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा कपड़ा धो के नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ। और ये देखिए दोस्तों, दोपहर के लिए मैं कुछ सब्जी वगैरह नहीं बनाई थी, तो जो हम लोग चरोटा का सुकटी सुखवाए थे और इतना ही सुकटी हुआ है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि दोपहर के लिए इसी को मैं बना दे रही हूँ। तो दोस्तों, जब से मैं चरोटा साग को तोड़ कर लाई थी तब से ही मैं सोच रही थी कि कब हम लोग का चरोटा का साग सूखे तब मैं इसका जाकर सुकटी बनाऊँ। तो ये देखिए, चरोटा सुकटी भी अच्छे से सूख गया है, तो आज मैं इसको बना दे रही हूँ। तो दोस्तों, इस वाला सुकटी को थोड़ा सा अलग बनाते हैं। तो मैं पहले लहसुन मिर्च का तड़का दे दी हूँ और ये देखिए टमाटर दो चार काट के डाल के अच्छे से भूंज लूंगी। और जब टमाटर अच्छे से भूंजा जाएगा तब मैं चावल का माड़ को अच्छे से डाल के खौला लूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, माड़ भी अच्छे से खोल गया है और हम लोग का चरोटा का सुकटी भी थोड़ा ही सही हुआ है सूख के। तो चलिए मैं माड़ में डाल देती हूँ, फिर अच्छे से पकेगा। और ये सुकटी सिर्फ एक बार ही बनाने के लिए हुआ, और कभी हम लोग नदी के साइड जाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा भाजी तोड़ कर लाएंगे। दोस्तों, चरोटा का सुकटी बन के रेडी हो गया है और आज दोपहर का खाना में हम लोग चरोटा का सुकटी खाएंगे और बहुत ही अच्छा लगता है इसका सुकटी खाने में। तो इधर देखिए दोस्तों, आज बहुत ही ज्यादा बारिश हो रहा है, तो रोशनी के दादा मछली पकड़ने वाला जाल बना रहे हैं और इस जाल को खेत में लगाएंगे और जितना भी खेत में मछली होगा तो इसी जाल में आकर फंसेगा। दोस्तों, कल रात को बहुत ही ज्यादा बारिश हुआ तो सुबह थोड़ा सा मछली पकड़ कर लाए हैं, तो आप लोग भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं पूरे घर को अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। इधर मेरा पटनी से बिल्ली लोग भी उतरते चढ़ते रहते हैं, तो पूरा दीवार का मिट्टी वगैरह को भी गिरा दिए हैं। और आज घर में बहुत ही ज्यादा कचरा भी हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से झाड़ू लगाकर पूरा घर को अच्छे से साफ सुथरा कर देती हूँ। और दोस्तों, कल रात को हमारे गाँव में बारिश शुरू हुआ है और आज दिन भर बारिश हो ही रहा है, एक बार भी हम लोग के गाँव का बारिश नहीं रुका है और लगता है कि दोस्तों आज बारिश भी नहीं रुकेगा। तो ये देखिए दोस्तों, अभी टाइम शाम का हो गया है और अभी हल्का हल्का बारिश रुका हुआ है और लगता है दोस्तों रात में भी बहुत ही ज्यादा बारिश होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा काला बादल वगैरह भी किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जो हम लोग करेला तोड़ कर लाए हैं तो आज उसका हम लोग सब्जी बनाते हैं। और दोस्तों, आज मैं उसका करेला का भुंजिया नहीं भूंज रही हूँ, आज मैं इसका कलौंजी बनाऊंगी मसाला भर के। तो चलिए करेला को उबलने के लिए चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, इधर मैं कलौंजी का मसाला निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं धनिया पाउडर निकाली हूँ, फिर हल्दी, जीरा और सरसों और लाल मिर्च है। तो चलिए इसको जल्दी से पीस लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग घर में दिन भर ही रहे हैं क्योंकि बारिश के वजह से कहीं आने जाने के लिए भी नहीं बन रहा था, तो आज का ब्लॉग ज्यादा हम लोग का घर में ही शूट हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं मसाला पुराना वाला सील में ही पीस रही हूँ क्योंकि मेरा नया वाला सील आंगन में रखाया हुआ है और बारिश हल्का हल्का हो रहा है तो मैं भीग जाऊंगी इसीलिए।
तो इधर देखिए दोस्तों, जो मैं करेला पकने के लिए चढ़ा दी थी वो भी अच्छे से पक गया है। तो चलिए अब इसको एक प्लेट में खाली कर देते हैं। फिर जो मैं मसाला पीस के रखी हूँ उसको थोड़ा थोड़ा भूंज लेंगे। और दोस्तों, आप लोग को करेला का कलौंजी पसंद है कि नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, और ये देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, कलौंजी का मसाला भी अच्छे से भुंजा गया है। तो चलिए अब इसको एक कटोरी में खाली कर देते हैं। फिर करेला को अच्छे से काट के मसाला भर के फिर उसको भी तलेंगे। तो मैं सभी करेलों में बराबर मसाला भर के रख लेती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग भी देख लीजिए, हम लोग इसी तरीके से कलौंजी बनाते हैं। तो दोस्तों, सभी करेलों में मसाला अच्छे से भरा गया है। तो चलिए अब कलौंजी का फ्राई करते हैं। इसको तो भुंजाने में काफी ज्यादा लेट लग जाएगा, लेकिन खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा करेला का कलौंजी बनके रेडी हो गया है। और भुंजाने के बाद ये देखिए कितना अच्छा, एकदम थोड़ा सा ही हो गया है। और ये करेला बहुत ही अच्छा है, कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो चलिए मैं अब इसको उतार कर रख देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अभी रात का 9 बजने वाला है और हम लोग खाना वगैरह भी नहीं खाए थे। और खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी आराम करने के लिए, क्योंकि मेरा तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं सोची कि खाना बना के थोड़ा सा मैं आराम कर लूं। तो ये देखिए दोस्तों, अब 9 भी बजने वाला है और खाना खाने का भी टाइम हो गया है। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा खाना भी खा लेते हैं हम लोग रात का। तो दोस्तों, करेला का कलौंजी बनाने ही टाइम में उतना ही टाइम दाल और चावल को भी बना दी थी, और आज रात के खाना में है दाल चावल और करेला का कलौंजी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं सबके लिए खाना निकाल देती हूँ। इधर बुलबुल बोल रही है कि अम्मी मैं खाना अभी नहीं खाऊंगी, और रोशनी के अब्बू भी पहले ही खाना खा चुके हैं, तो सिर्फ हम ही लोग बच गए हैं। तो दोस्तों, करेला का कलौंजी घर में रोशनी सबसे ज्यादा पसंद करती है, और रोशनी ही बोली थी कि अम्मी आज कलौंजी बनाइएगा, तो मैं कलौंजी बना दी थी रोशनी के लिए। आज उसी का पसंद में हम लोग के घर में खाना बना है, और कलौंजी भी बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जल्दी से खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़, बाय।